देवेंद्र फडणवीस करेंगे नड्डा की छुट्टी, कौन बन रहा है अध्यक्ष पद के रास्ते में रोड़ा, मोदी ने आखिर क्या फैसला कर लिया। 20 जनवरी 2020 को भारतीय जनता पार्टी ने जगत प्रकाश नड्डा को नया अध्यक्ष नियुक्त किया था, लेकिन सितंबर 2022 में जेपी नड्डा का कार्यकाल जहां खत्म हो रहा था उसे बढ़ाकर 2024 तक कर दिया। पर अब नए चेहरे की बात आ गई है, नया चेहरा तैयार हो गया है। मंथन के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के मिस्टर भरोसेमंद का टैग हासिल कर चुके देवेंद्र फडणवीस की एंट्री हो गई है। अब चर्चा तेज है और कारण है उनका और उनके परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात। जी हाँ, अब इस खबर ने चर्चा तेज पकड़ ली है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इनके नाम पर चर्चा का कारण क्या है और ऐसा क्या है देवेंद्र फडणवीस में जिसकी वजह से बड़े बड़े दिग्गजों के बजाय उनके ही नाम पर मुहर लगने की इतनी बड़ी बात आ रही है। हम आपको सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। यही नहीं, आपको जानकारी देंगे कि देवेंद्र फडणवीस के अलावा वो दो मुख्य नाम कौन है जो रेस में फिलहाल शामिल है। लेकिन उससे पहले आप सभी का स्वागत है HCN न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ रंजना उपाध्याय। 28 जुलाई को महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी। इस दौरान उनका परिवार भी साथ था और यही दोनों के इस मुलाकात के मायने सामने आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भाजपा के उच्च पदस्थ सूत्रों की जानकारी कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस आने वाले हफ्तों में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। जी हाँ, इसके बाद उन्हें भारतीय जनता पार्टी के सबसे ऊंचे दर्जे पर दिल्ली में बिठा दिया जाएगा। जेपी नड्डा के बाद अब बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हो सकते हैं, ये खबर अब तेज हो गई है। ऐसे में सबसे पहले आप ये जानिए कि आखिर उन्हें उत्तराधिकारी क्यों माना जा रहा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। इस बीच महाराष्ट्र से फडणवीस ने इस्तीफे की पेशकश कर दी थी, हालांकि पार्टी ने इसे नामंजूर कर दिया, लेकिन इससे ये साफ हो गया कि बीजेपी को अभी भी उन पर पूरा भरोसा है। ऐसे में दूसरा कारण ये है कि उनका बीजेपी के टॉप लीडर्स और आला कमान से रिश्ते कभी नहीं बिगड़े और ना ही कभी सुगबुगाहट आई। वहीं आपको हम ये भी बता दें कि देवेंद्र फडणवीस के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भी अच्छे रिश्ते हैं। इसके अलावा आरएसएस में भी उनकी छवि साफ देखी गई है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी के साथ फडणवीस की पत्नी और बेटी के साथ मुलाकात के बाद ये पक्ष मजबूत होता है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व फडणवीस को पार्टी में अहम पद पर नियुक्त करना चाहती है। अब आते हैं उन चेहरों पर जिनका नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के रेस में है। पहले हैं बीजेपी के सबसे करीबी और भरोसेमंद कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव, जिन्हें बीजेपी के लिए पर्दे के पीछे रहकर चाणक्य की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ रणनीति बनाने में माहिर है। जबकि दूसरा नाम है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का, जो लगातार बीजेपी के अंदरूनी मैदान में आगे बढ़ते जा रहे हैं। जबकि एक तरफ जहां मोदी 3.0 में कई बड़े मंत्रियों की छुट्टी हो गई, लेकिन दूसरी तरफ यहां धर्मेंद्र प्रधान को तीसरी बार फिर से मोदी कैबिनेट का हिस्सा बनाया गया। ऐसे में फिलहाल जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा तेज है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कौन बन सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष? भारतीय जनता पार्टी किस पर भरोसा जताएगी? ऐसे में ये देखना काफी दिलचस्प होगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, आप कमेंट कर अपनी राय जरूर दें और देखते रहे HCN न्यूज। धन्यवाद।